आज सुबह टाइम्स राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रकाशित। यो राजनीतिक विश्लेषण, सामाजिक विश्लेषण, धार्मिक आस्था से जुड़ी, गांव हो या शहर, पर्यावरण समस्या से जूझ रहा है पूरा विश्व, सभी का ख्याल करती है और आपसे लगातार रूबरू होने के लिए राष्ट्र प्रेम, जन जागरूकता, जनहित के लिए यूट्यूब चैनल पर प्रसारित और आप हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल को। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं रहे। एम्स में 5:05 तक आज अंतिम सांस दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में लिया। उनकी जीवन एक उतार चढ़ाव जीवन रहा। उनका जीवन भारत के सामाजिक सरोकार राष्ट्रहित में गुजर गया। वह बीजेपी के महान नेता तब उभर कर आए जब भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले राष्ट्रहित के लिए कार्य किया है। कविता के माध्यम से महारथी थे। उनका नाम कविता के माध्यम से देश विदेश में जाने जाते हैं। अटल जी का नारा जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान आज भी स्मरणीय है। अटल जी का मृत्यु उस वक्त हुआ है जो एक दिन पहले भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही ऐतिहासिक है हमारे अटल जी का। भारत के सबसे बड़े नेता और सभी दलों को एक समान से देखना उनका कार्यशैली रहा है। भारत के सभी दल उनका स्वागत करते हैं और अटल जी को मानते हैं। उनकी यह कार्यशैली पर नेतागिरी सिखाए जाते हैं। छोटे बड़े नेता अटल जी का जन्म 1924 में 25 दिसंबर 1924 से लेकर 16/8/2018 तक का सफ़र रहा। उनका जीवन बेदाग जीवन रहा है। भारत रत्न की महानता, कर्मठ राजनेता, सामाजिक सरोकार के हित, राष्ट्र के हित हमेशा बात करते आए हैं। भारत के 125 करोड़ भारतीय आज आंसुओं की बूंद गिराकर आज हमारे बीच अटल बिहारी वाजपेयी नहीं रहे। पूर्व भारत के प्रधानमंत्री अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज एम्स हॉस्पिटल में 5:05 के बीच हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। 17/8/2018 को सुबह 9:00 अटल जी के घर से पार्थिव शरीर 10:00 से लेकर 1:00 तक बीजेपी मुख्य कार्यालय में रखी जाएगी। वहां पर वीआईपी लोग जो है उनके दर्शन करेंगे। उसके बाद आम लोगों को, नागरिकों के लिए उनकी दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा। पार्थिव शरीर कल शाम 5:00 से लगभग में अटल जी के अंतिम संस्कार होगी। अटल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। भारतवासियों को कुछ खो जाने का मलाल हो रहा है। अटल जी एक सराहनीय, एक साधारण व्यक्ति, एक मजाकीय कवि थे। उन्होंने देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की है। आज उनका नाम हमारे जहन में, हमारे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अटल जी एक महान व्यक्ति थे। आज भी उनकी सामाजिक राष्ट्रहित में कार्य करने का उनका जज्बा आज भी बरकरार है। उस वक्त हमारे बीच में आज हम उनकी महानता का स्मरण जितना करें उतना ही कम होगा। अटल जी हमारे बीच में आज नहीं है। उनकी कार्यशैली पर नज़र रखें तो भारत के लिए काफ़ी योगदान रहा है। उन चाहे भारत सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर या कभी तक का या जो है सामाजिक स्तर तक उनकी नज़रिया एक समान रही है। आज हम उनकी यादगार में, उनके स्मरणीय में आज हमें जितनी भी आंसू गिराएं उतना ही कम होगा, क्योंकि उनकी माध्यम और जीवन का स्मरणीय आज भी इस स्वच्छता का सबसे बड़ा महान रहे। ऐतिहासिक अटल जी भारत के सबसे बड़े नेता और सभी दलों को एक समान, एक कार्य शैलियों से देखना उनका एक बहुत बड़ा संस्कारिक सभ्यता रही है। भारत के सभी दल उनका आज भी स्वागत करते हैं और इसी बीच में एम्स में सभी दल